दर्शकों, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल। खबर 24 न्यूज के इस बुधवार स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरी उज्जैन में भगवान गणेश का प्राचीन मंदिर स्थित है। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यह प्राचीन मंदिर चिंतामण गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध है। गणेश जी के इस प्रसिद्ध मंदिर के गर्भगृह में 3 प्रतिमाएं स्थापित हैं। गौरीसुत गणेश की 3 प्रतिमाएं गर्भगृह में प्रवेश करते ही दिखाई देती हैं। यहां पार्वती नंदन 3 रूपों में विराजमान है। पहला चिंतामण, दूसरा इच्छामण और तीसरा सिद्धि विनायक गणेश जी के रूप में। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। यहाँ दर्शन करने वाले व्यक्ति की सभी चिंताएं खत्म हो जाती हैं और वे चिंता मुक्त हो जाते हैं। बुधवार के दिन यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। रामायण काल से स्थापित है मंदिर। जी हाँ, यह चिंतामण गणेश मंदिर परमारकालीन है, जो कि 9वीं से 13वीं शताब्दी का माना जाता है। इस मंदिर के शिखर पर सिंह विराजमान है। वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चिंतामण गणेश माता सीता द्वारा स्थापित षट विनायकों में से एक कहे जाते हैं। जी हाँ, कहते हैं कि यह मंदिर रामायण काल में राम वनवास के समय का है, जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता माता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में घूम रहे थे। तभी माता सीता को बड़ी जोरों से प्यास लगने लगी। राम जी ने लक्ष्मण जी से पानी लाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। पहली बार लक्ष्मण द्वारा किसी काम को मना करने से राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ध्यान द्वारा समझ लिया कि यह सब यहाँ की दोष सहित धरती का कमाल है। तब उन्होंने सीता माता और लक्ष्मण के साथ यहाँ गणपति मंदिर की स्थापना की, जिसके प्रभाव से बाद में लक्ष्मण जी ने यहाँ एक बावड़ी बनाई, जिसे लक्ष्मण बावड़ी कहते हैं। सम्राट विक्रमादित्य ने कराया था मंदिर का निर्माण। जी हाँ, भारत में स्थित 4 स्वयंभू चिंतामण गणेश मंदिरों में से एक अति प्राचीन विक्रमादित्य कालीन ऐतिहासिक श्री चिंतामण सिद्ध गणेश मंदिर, जो कि यह मंदिर शुगर फैक्ट्री से पश्चिम में लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मंदिर और मूर्ति की स्थापना के बारे में जानकारों का कहना है कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व परमार वंश के राजा उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर में स्थापित श्री गणेश जी की मूर्ति खड़ी हुई है। मूर्ति का आधा हिस्सा जमीन के अंदर धंसा हुआ है, इसीलिए भक्तों को आधी मूर्ति के ही दर्शन होते हैं। यह स्वयंभू प्रतिमा है। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 155 में महाराजा विक्रमादित्य द्वारा गणेश जी के मंदिर का निर्माण श्री यंत्र के अनुरूप करवाया गया था। राजा विक्रमादित्य के पश्चात मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सभा मंडप का निर्माण बाजीराव पेशवा प्रथम ने करवाया था। शालिवाहन शक राजा भोज, कृष्ण राय तथा गोंड राजा नवल शाह आदि ने भी मंदिर के व्यवस्था में सहयोग किया। नानाजी पेशवा, बिठूर आदि के समय मंदिर की याति व प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। चिंतामण सिद्ध गणेश जी होने से एवं 84 सिद्धों में से एक, अनेक तपस्वियों ने यहाँ सिद्धि प्राप्त की है। स्वास्तिक बनाने से पूरी होती है मनोकामनाएं। जी हाँ, इस मंदिर का यह विशेष माना जाता है, चमत्कार माना जाता है कि यहाँ पर जो है मान्यता है, श्रद्धालु भगवान गणेश जी के सामने अरदास लगाकर मंदिर की दीवार पर उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और मन्नत पूर्ण होने के बाद सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। चिंतामण गणेश मंदिर पर प्रतिवर्ष गणेश चतुर्दशी के दौरान 10 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। पुजारी बताते हैं कि मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्रद्धालु यहां मन्नत का धागा बांधते हैं और उल्टा स्वास्तिक भी बनाते हैं। मन्नत के लिए दूध, दही, चावल और नारियल में किसी एक वस्तु का यहां पर चढ़ाया जाता है, अर्पण किया जाता है, और जब वह इच्छा पूर्ण हो जाती है तब उसी वस्तु को यहाँ पर दान कर दिया जाता है। इतनी भव्य महिमाओं के साथ ही आपको बता दें इसकी खास बात कि 150 वर्ष पूर्व तक मंदिर में ताला नहीं लगाया जाता था। जी हाँ, बताया जाता है कि मंदिर में विराजित गणेश जी की प्रतिमा की आंखों में हीरे जड़े हुए हैं। जी हाँ, 150 वर्ष पूर्व तक मंदिर में ताला भी नहीं लगाया जाता था, तब चोरों ने मूर्ति की आंखों में लगे हीरे चोरी कर लिए थे। बहुत बड़ी बात रही यहाँ की
तथा गणेश जी की प्रतिमा की आंखों में से 21 दिन तक दूध की धारा बहती रही। तो उस समय के दौर को देखते हुए भगवान गणेश जी ने पुजारी को स्वप्न देकर कहा कि मैं खंडित नहीं हुआ हूँ, तुम मेरी आंखों में चांदी के नेत्र लगवा दो। तभी से भगवान गणेश जी की आंखों में चांदी के नेत्र लगाए गए। ऐतिहासिक चिंतामन गणेश मंदिर पर प्रदेश भर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। चैत्र माह के बुधवार को विशेष पूजन भी किया जाता है। जी हाँ, चैत्र माह के बुधवार को यहाँ पर रबी की फसल पककर तैयार हो जाती है। किसान अपनी फसल को बाजार में बेचने से पहले चैत्र माह के बुधवार के दिन भगवान चिंतामन गणेश जी को यह अर्पित करते हैं। किसानों का मानना है कि ऐसा करने से फसल की पैदावार अच्छी होती है और हमें फसल काटने और बेचने में किसी तरह के मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता है। इन सभी मान्यताओं के साथ आज भी उज्जैन में स्थापित इन चिंतामन गणेश जी को आज भी पूजा जाता है। तो अगर आप भी अपनी मन्नत पूरा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जाइए और भगवान श्री गणेश की अर्चना कीजिए, पूजा कीजिए और उनके दर्शन कीजिए। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही।